और अब वक्त है एक बार फिर से उस अनुग्रहकारी वचनों को सुनने का। अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि इन वचनों को सुनने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा ना हो, उसकी धन्य उपस्थिति आपके कमरे में हो और आप भरपूरी से उसकी आशीषों को ग्रहण करें। तो आइए सुनते हैं परमेश्वर का सामर्थी वचन भाई अजीत द्वारा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम आइए एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके वचन को बैठकर सुन सकते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, जानते हैं आपको यह अवसर उसने क्यों दिया है? शायद उसने ये सोच करके अवसर दिया है कि आज अपनी बीमारियों से आप चंगे हो जाएं। शायद उसने ये सोच करके आपको ये अवसर दिया है कि आज पश्चाताप के साथ एक बार फिर से आप उसके धन्य क्रूस के सामने आ जाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या ही धन्य है वो परमेश्वर। संसार हमें मौका नहीं देता, संसार एक बार मौका देता है और यदि उसमें चूक जाए तो मेरे अति प्रिय श्रोता बाद में कोई नहीं पूछता। लेकिन आइए धन्यवाद करें, लाखों बार बेशक हम चूक गए हैं लेकिन परमेश्वर एक बार फिर से आज की शाम हमें मौका देता है। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, आपसे मैं कहना चाहूंगा इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय बाइबल की एक घटना को मैं याद करता हूं जो कि बाइबल की महानतम घटनाओं में से एक है और वो ये है इसराइलियों का मिस्र की बंधुआई से छूटकर उस प्रतिज्ञात देश कनान तक पहुंचना। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल इस प्रकार से बताती है, इसराइलियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, उनका जीना वहां पर दूभर हो गया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, शोषण और मारपीट और सब प्रकार के उपद्रव के वहां पर वो शिकार थे। और मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है वो चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई देने लगे। 430 वर्ष बीत गए और 430 वर्ष के बाद एक दिन परमेश्वर ने मूसा को कहा, हाँ मूसा, अपने लोगों की चिल्लाहट और उनकी कराहट मुझ तक पहुंची है और अब मैं चाहता हूं कि अपने लोगों को अब मैं पूरी तरह से आजाद करूं। और मेरे अति प्रिय श्रोता, ऐसा कहकर उसने मूसा को एक बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया। और मेरे अति प्रिय श्रोता, मूसा जब अपनी प्रजा को आजाद करने के मिस्र में आया तो मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है उसने 10 बड़े बड़े चमत्कार मिस्र के अंदर दिखाए। और मेरे अति प्रिय श्रोता, निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटनाओं को देखकर, इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देख करके फिरौन का मन निश्चित रूप से कोमल हो जाना चाहिए था। निश्चित रूप से परमेश्वर के आश्चर्यकर्मी हाथों को देखने के बाद मेरे अति प्रिय श्रोता, फिरौन का मन बिल्कुल दीन हो जाना चाहिए था और उसको कहना चाहिए था, मूसा सच में तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, अपनी प्रजा को लेकर के तुम जा सकते हो। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्या आपने इस बात का ध्यान दिया कि 10 बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के बाद, हाँ परमेश्वर के आश्चर्यकर्मी हाथों को कार्य करते हुए देखने के बाद, इसके बाद भी फिरौन का मन कठोर रहा? और मेरे अति प्रिय श्रोता, ये बात सिर्फ उन दिनों की नहीं है, आज के दिन भी हमारे जीवनों के अंदर भी इसी प्रकार से होता है। हजारों बार परमेश्वर के आश्चर्यकर्मी हाथों को अपने जीवन के अंदर हम कार्य करते हुए देखते हैं। हजारों बार हम देखते हैं किस प्रकार से उसने मौत के मुंह से हमको निकाला। हजारों बार हम देखते हैं किस प्रकार उसने हमारी बीमारी के बिस्तर को उल्टा पुल्टा किया। हजारों बार हम देखते हैं कि हम चाहे किसी योग्य भी नहीं है तो भी वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन जिस प्रकार से फिरौन का मन कठोर हो गया, उसी प्रकार से मेरे अति प्रिय श्रोता, आज भी उसकी प्रजा उसके आश्चर्यकर्मी हाथों को देखने के बाद भी कई बार उस पर विश्वास नहीं करती। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल एक अत्यंत दिलचस्प पद की ओर हमें इशारा करती है। निर्गमन 5:2 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिरौन ने मूसा से कहा, यहोवा कौन है कि उसका वचन मानकर मैं इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। मेरे अति प्रिय श्रोता, सिर्फ भूतकाल के लोग ही ऐसी बातें नहीं करते थे लेकिन आज की सदी का मनुष्य भी इसी प्रकार की बातचीत करता है। लोग कहते हैं, आखिर परमेश्वर है कौन? कौन है परमेश्वर? मैं परमेश्वर की कुछ परवाह नहीं करता, मेरे लिए परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। यदि परमेश्वर है तो ये सब कुछ क्यों होने दे रहा है? आज से लगभग 4000 वर्ष पहले मिस्र के राजा फिरौन ने भी यही कहा, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता। वो मिस्र का सम्राट था, उसके पास सारी इच्छित वस्तुएं थी, मिस्र एक अत्यंत शक्तिशाली देश था, सारे संसार में लोग मिस्र की शक्ति से कांपते थे। लेकिन राजा फिरौन के लिए जीवित परमेश्वर के ज्ञान की अपेक्षा मिस्र की बुद्धि, मिस्र की शक्ति, मिस्र के ज्ञान और भूत विद्या का अधिक महत्व था। उसने परमेश्वर का इनकार किया। जब परमेश्वर ने अपनी महान सामर्थ को विपत्तियां भेजकर प्रकट किया तो उसने अपना मन और कठोर किया। और जब सारे मिस्र में हाहाकार मच गया, लोग जब मरने लगे, जब जानवर मरने लगे, जब फसल बर्बाद हो गई और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने मूसा से प्रार्थना करने के लिए अनुरोध किया। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, आज हमारे संपन्न समाज में लोग सुखी हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन है, लोग अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करते हैं, लोगों के पास वाहन,
टेलीविजन और मनोरंजन के एक से एक साधन है। जीवन भाग रहा है, लोग अंधाधुंध भाग रहे हैं, किसका बुरा कैसे करें, कहां से पैसा कमाएं, मेरे अति प्रिय श्रोता अपना स्टेटस हम कैसे मेंटेन करें, इस प्रकार की चिंताएं हमारे मन के अंदर होती हैं। लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुने मेरे अति प्रिय श्रोता, आज लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। रोमियो 3 और उसके 10-18 में बाइबल कहती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है और उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना और उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, ये आज की सच्चाई है, मेरे अति प्रिय श्रोता ये आज की सच्चाई है। मुझे एक घटना स्मरण आती है, क्या आप जानते हैं सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मनुष्य कौन था? मेरे अति प्रिय श्रोता, सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मनुष्य था रूस का यूरी गागरिन। वो मानव जाति के इतिहास में पहला व्यक्ति हुआ जो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा। इस घटना से सारे विश्व में सनसनी फैल गई और चारों ओर तहलका मच गया। जब यूरी गागरिन पृथ्वी पर वापस आया तो उसके सम्मान में एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया गया। लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। हाँ, किसी ने पूछा, महोदय क्या अंतरिक्ष में आपने परमेश्वर को देखा? यूरी गागरिन ने हंसते हुए कहा, मैं सारे आसमान में यही ढूंढता रहा कि कहीं परमेश्वर दिखाई तो पड़ जाए, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लोग हंसने लगे। जानते हैं श्रोताओं, क्या आप जानते हैं श्रोताओं, वही यूरी गागरिन आगे चल के गुमनाम और दर्दनाक मृत्यु का शिकार हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल भजन संहिता 14:1 में इस प्रकार से कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि आज इस बात को हम मान भी लें कि परमेश्वर नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि अनुग्रह कार्यक्रम में जब बीमारों के लिए प्रार्थना होती है तो अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार बहुत सारे लोग उसी समय चंगे हो जाते हैं। क्यों है ऐसा? मत सोचिए कि लोग सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों और सर्दी जुकाम से थोड़े बहुत चंगे होते हैं। क्या आपने इसी कार्यक्रम की गवाहियों में नहीं सुना कि वर्षों से, ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, वर्षों से शरीर पर फैले हुए सफेद दाग उसी समय दूर हो गए, पेट में मरा हुआ बच्चा प्रार्थना के समय उछल पड़ा, कैंसर, टीबी और अर्थराइटिस जैसी असाध्य बीमारियां कार्यक्रम सुनते सुनते जड़ से लोप हो गईं। लेकिन हाय रे मनुष्य, वो बगावत कर करके घायल हो जाता है, अपने ऊपर श्राप पर श्राप लाता है और बर्बाद होकर मिट जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आता, और जब होश भी आता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैंने एक घटना और पढ़ी। अपोलो 15 अमेरिका द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान था जिसके कमांडर कर्नल जेम्स इरविन थे। अपोलो 15 चांद पर उतरा। कर्नल जेम्स इरविन जब वापस आए तो उनके लिए भी एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और कर्नल जेम्स इरविन ने समारोह के अंत में कहा, आपने बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं, लेकिन अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सच है कि चंद्रमा पर जाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। यह सच है कि मनुष्य का चंद्रमा की सतह पर पांव रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने, समारोह के अंत में कर्नल जेम्स इरविन ने कहा, यह सच है कि मनुष्य का पृथ्वी से चांद पर पहुंचना एक महान घटना है, लेकिन मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाना इससे भी बड़ी घटना है। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल यूहन्ना 1:14-18 में इस प्रकार से कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, परमेश्वर को कभी किसी ने, मेरे अति प्रिय श्रोता बाइबल कहती है, हाँ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप कहां हैं? इस कार्यक्रम को सुनते समय आप आज कहां खड़े हैं? क्या आप भी कहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर का कोई महत्व नहीं? शायद यही कारण है कि आज आप अमीर होकर भी कंगाल हैं। शायद बहुत अच्छा कमाते हैं आप, लेकिन इनमें से आप खा नहीं पाते। मैं एक बार किसी व्यक्ति से मिला, वो अमेजिंग ग्रेस की पंजाब की शुभ संदेश सभाओं में आया था। उसने हमें अपने घर बुलाया। वो आंसू बहाते हुए कहने लगा, भाई मैं एक करोड़पति हूं, लेकिन मैं अपने भोजन में नमक तक नहीं खा सकता, मैं चावल नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपको बहुत दिनों से सेप्टिक है, सर से पांव तक रोग ही रोग है, आपके बच्चे हाथों से बाहर जा चुके हैं, आपके दफ्तर में कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपके चारों ओर झूठी अफवाहें, आरोप और षड्यंत्र हैं, शैतानी शक्तियों ने आपको तबाह कर दिया है। शायद बड़े अरमानों से आपने अपने बच्चे का विवाह किया था, शायद बड़े अरमानों से आपने अपनी बेटी का विवाह किया था, लेकिन आज आपको पता लगा है कि उसका पति उसको पीटता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद बड़े अरमानों से आपने अपना विवाह किया था, लेकिन आज संभवतः
आपकी अपने पति से नहीं बनती। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, शायद आपने बहुत जगह इंटरव्यू दिया मगर आपको सफलता नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर से विद्रोह करने के कारण आपकी ये स्थिति है। ध्यान से सुने, इस समय ध्यान से सुने, परमेश्वर इतना कठोर नहीं। इस समय अपने आप को परमेश्वर के सामने ले आए। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की रात परमेश्वर विश्वास करें आपको स्मरण करेगा। कुछ लोग हमें रो रो करके पत्र लिखते हैं और कहते हैं, भाई हमारे अपराध इतने भयंकर हैं कि परमेश्वर हमें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। स्मरण रखिए, कोई भी पाप क्रूस की दर्दनाक मृत्यु से ज्यादा भयंकर नहीं है। परमेश्वर के सेवकों, शायद आपने अपना अभिषेक खो दिया है, शायद आपने अपना अभिषेक खो दिया है और आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेवा का वैसा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता जैसा कि पहले था। हताश मत हो। मैंने कुछ समय पहले परमेश्वर की एक महान सेविका के विषय में पढ़ा। उसका नाम कैथरीन कुमन था। उसकी सेवा सारे कनाडा, यूरोप और अमेरिका में जानी जाती थी। उसकी सभाओं में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। सारे पश्चिमी संसार में उसकी धूम थी। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, शैतान भी अक्सर देखता है कि कब किसको गिराए। कैथरीन कुमन अविवाहित थी। एक दिन उसके जीवन में एक दूसरा प्रभु का सेवक आया। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और अकेले ही वो सेवा करता था, ये जानते हुए भी कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ चुका है और वो अभी जीवित है। कैथरीन कुमन ने उससे शादी कर ली। मेरे अति प्रिय श्रोता, चारों ओर उसकी भारी बदनामी हुई। उसकी तेज गति से बढ़ती हुई सेवा भर भरा कर गिर पड़ी। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ ध्यान से सुने, कैथरीन रोज रोती। उसे फैसला करना था इधर या उधर। बार बार परमेश्वर की आत्मा उससे बातचीत करती थी, कैथरीन मैंने तुम्हें चुना है, कैथरीन मैंने तुम्हें अपनी सेवा के चुना है। जितनी जवान बहनें इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, वो इस समय ध्यान के साथ सुने। हाँ, परमेश्वर की आत्मा कैथरीन कुमन से बात कर रही थी। ये सच्ची बात है मेरे अति प्रिय श्रोता कि वो एक पाप में गिर चुकी थी, लेकिन ओह हालेलुया, इसके बाद भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उसके पर कम नहीं किया। प्रतिदिन सपनों में वो उससे बात करता, हाँ प्रतिदिन दर्शनों के द्वारा वो उससे बात करता, मेरी बेटी अगर तू पलट करके मेरे पास आ जाए तो मैं तुझको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक रात की बात है, उसने रो करके कहा, प्यारे प्रभु जी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी बहुत बड़ी सेवा भरभरा करके गिर गई है और आज लोग मेरे नाम पर हंसते हैं, क्या तू अब भी मुझे इस्तेमाल कर सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी समय परमेश्वर की बादलों किसी गरज के साथ एक आवाज उसको सुनाई पड़ी, मनुष्य के लिए कुछ भी संभव नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे अति प्रिय श्रोता, कैथरीन कुमन ने पूछा, तो मेरे प्रभु, क्या तू मुझे सच में इस्तेमाल करेगा, क्या तू मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। मेरे अति प्रिय श्रोता, फिर बादलों किसी गर्जना किसी आवाज हुई, मैं वही परमेश्वर हूं जो अपने निमित्त तेरे सारे पापों को मिटा देता हूं और दोबारा उन्हें स्मरण ना करूंगा। कैथरीन फैसला कर। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैंने एक किताब में पढ़ा, लगभग सुबह के 9 बजे का समय था। कैथरीन कुमन अपने कमरे में अकेली बैठी हुई आंसू बहा रही थी। उसे फैसला करना था, वो व्यक्ति उसके जीवन में प्रथम है या परमेश्वर की वो कॉल या परमेश्वर की वो बुलाहट, वो उसके जीवन में प्रथम है। मेरे अति प्रिय श्रोता, और वो उठी, उसका दिल धक धक कर रहा था क्योंकि उसको अपनी भावनाओं के विरुद्ध में खड़ा होना था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन तब उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपने आंसुओं को निश्चय बहते हुए देखा लेकिन उसी समय मुझे कलवरी के क्रूस पर आंसू बहाता हुआ यीशु मसीह दिखाई पड़ा और मुझे ऐसा लगा मानो क्रूस से आवाज आ रही है, कैथरीन इस बात का फैसला कर, तेरे आंसू ज्यादा दर्दनाक हैं या मेरे वो आंसू जो कि मैंने तेरे पापों के कारण बहाए हैं। उसने कहा, हां प्रभु, मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं, मैं तेरे आंसुओं को देखती हूं और उसके लिए आज अपनी भावनाओं को मैं कुचलने के तैयार हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हां कैथरीन ने कहा, हां प्रभु, अपनी सेवा के दौरान जब मैं गिरने लगी तो मैंने कई बार कहा कि परमेश्वर कौन है, वो मुझे नहीं संभालता, यदि परमेश्वर था तो उसने क्यों मुझे पाप में गिरने दिया। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, वो सवेरे के 9 बजे का समय था, अचानक पवित्र आत्मा ने मानो उसको कहा, कैथरीन बाहर निकल, मैं तुझसे बातचीत करूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो सेविका रोने लगी और उसने कहा, प्रभु आज मैं तेरी सुनना चाहती हूं, आज मैं किसी और की सुनना नहीं चाहती। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, वो बाहर निकली और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं यूं ही सड़कों पर चलती गई, मैं रोती रही, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, लेकिन परमेश्वर खामोश था। मैं फिर से रोने लगी, परमेश्वर क्या तू मुझसे बात नहीं करेगा, उस समय भी परमेश्वर खामोश था। मैं चलती रही और अंत में मैं एक तंग गली में आ गई और परमेश्वर की आत्मा ने मुझको कहा, बेटी इसी गली में आगे चल, और उसने लिखा, मैं चलती रही
और अंत में जाकर के मैंने देखा कि उस तंग गली के अंत में एक बड़ी सी दीवार है और उसके आगे कोई मार्ग नहीं है। और तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हाँ कैथरीन, आज मैं तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार से दीवार बनकर के खड़ा हो गया हूं। जिस मार्ग पर तू चल रही है उस मार्ग पर अब तू आगे मत बढ़। कम बैक एंड टर्न बैक टू मी, मेरे पास वापस आ। और तब उसने उसी तंग गली के उस दीवार के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना की और उसने कहा, हाँ प्रभु, आज तक मैं चाहती थी कि मेरे सामने से सारी दीवारें हटा दी जाएं, लेकिन ये एक मामूली दीवार नहीं, तू स्वयं दीवार बन के खड़ा हो गया है और अब तू चाहता है कि मैं वापस आके तेरी सेवा करूं। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके बाद उसने पलट करके नहीं देखा, वो अपने कमरे में आई। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने अपने जीवन का सबसे कठोर फैसला किया और वहां से वो मध्य अमेरिका में आ गई और मध्य अमेरिका से उसकी सेवा आरंभ हुई। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने रेडियो प्रसारण के द्वारा अपने कार्य को आरंभ किया और पूरे अमेरिका और यूरोप के अंदर उसके रेडियो संदेश मेरे अति प्रिय श्रोता पहुंचने लगे और इसने पूरे अमेरिका और यूरोप के अंदर आग लगा दी। और मेरे अति प्रिय श्रोता, वो हाँ परमेश्वर के महान अभिषेक से भर गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय जबकि कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं, अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने अपने मनों को तैयार करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपसे कहता है, इस समय परमेश्वर आपसे कहता है, मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं और मेरे लिए सारे काम संभव है। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने अपने मनों को तैयार करें। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुएगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय गिड़गिड़ा उठें, इसी मैं गिड़गिड़ा उठे। हाँ प्यारे परमेश्वर, इस समय अपने जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपने के तैयार हूं। हाँ बहुत बार मैंने कहा है, कौन है परमेश्वर? अपने जीवन की परीक्षाओं में पढ़कर मैंने कहा है, मैं परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करता। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आज वही परमेश्वर आपकी चिंता करता है। शायद आज तक उसकी परवाह नहीं करने की वजह से आज आप आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आपको परमेश्वर कहता है, आज आपको दो लोगों में से एक का फैसला करना है। यूरी गगरिन भी संसार की ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद उसने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, मैं उसे ढूंढता रहा लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम कर्नल जेम्स इरविन है और वो भी इस दुनिया की ऊंचाइयों पर जब पहुंचता है, जब दुनिया की ऊंचाइयों पर वो पहुंचता है तो वो कहता है, मैं एक बात को महसूस करता हूं, मनुष्य का ऊंचाई तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ऊंचाई से राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को बचाने के नीचे आ जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज आप जीवन की शायद बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर खड़े हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पद है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी दौलत है, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी जायदाद है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद ऊंचाइयों पर जाकर के आप कहते हैं, मुझको कोई परमेश्वर दिखाई नहीं पड़ता, इन चीजों को मैंने अपने ही बाहुबल से अर्जित किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, लेकिन आज आपको परमेश्वर कहना चाहता है, मेरे बेटे, आज यदि ऊंचाइयों पर जाकर तुम परमेश्वर को भूल गए हो तो आज मैं कहना चाहता हूं, इस समय कर्नल जेम्स इरविन की आत्मा मैं तुमको देना चाहता हूं कि ऊंचाइयों पर आकर के तुम कहो, मेरी ऊंचाइयों पर आना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि उन महान ऊंचाइयों से ऊंचे स्वर्ग से मेरा यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी की निचली सतह तक आ गया। वो मेरे जीवन के पाप की सबसे बड़ी खाई में आ गया, वो मेरे व्यभिचार से डूबे हुए जीवन की खाई में आ गया, वो मेरे कैंसर की मृत्यु की पीड़ा की खाई में आ गया और वो आज मुझको थामना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय अपने अपने मनों को तैयार करें, आज परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ राजा फिरौन भी जबकि सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है उसने कहा, कौन है परमेश्वर कि उसकी बात सुनकर मैं उसको जाने दूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आप भी आज इस प्रकार से कहते हैं, कौन है परमेश्वर, कौन है यीशु मसीह कि उसकी आवाज को सुनकर आज मैं अपने जीवन से अपनी बुरी आदतों को जाने दूं, आज मैं अपने जीवन से सारी मेरी अभिलाषाओं को जाने दूं। मैं किसी परमेश्वर की परवाह नहीं करता। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, इस समय परमेश्वर की ज्वालामयी आंखें आपका पीछा कर रही हैं, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। अपने अपने मनों को तैयार करें, इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ छूना चाहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मिस्र के अंदर फिरौन ने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा था, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा, कौन है परमेश्वर कि उसकी बात को सुनकर मैं जाने दूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आपने भी अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। आज आप जिस ऊंचे पद पर हैं, शायद ये परमेश्वर के उसी महान आश्चर्यकर्मी हाथों का कार्य है। आज यदि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो शायद ये भी परमेश्वर के महान आश्चर्यकर्मी हाथों का हाथ है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने, फिरौन ने जब चमत्कारों को देखा तो उसने अपने मन को कठोर कर लिया और शायद उसी प्रकार से
जैसा मैंने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था, इस समय भी कहूंगा, ये बात सिर्फ पुराने जमाने के लोग नहीं करते थे, आज का मनुष्य भी इसी प्रकार से बातचीत करता है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर कहता है, मेरी आवाज को सुनकर अपने जीवन के अंदर से सब प्रकार की बुरी आत्माओं की सेना को बाहर निकलने दो। मेरी आवाज को सुनकर इस समय अपनी सारी बुरी अभिलाषाओं को इस समय बाहर जाने दो कि मैं तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी बना सकूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपने उसके महान कार्यों को देखा है, इस समय उसके सामने टूटे हुए आ जाएं। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। इस समय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। इस समय उसकी आवाज गूंज रही है, मेरे बेटे मेरी आवाज को सुनकर अपने जीवन से सारी अभिलाषाओं की सेना को बाहर जाने दे। मेरे बेटे इस समय मेरी सुनकर अपने जीवन की उन सारी बातों को जो कि तुम्हारे ऊपर राज्य करती हैं, अपनी बुरी आदतों को इस समय अपने जीवन से बाहर जाने दे। मैं तुमको बहुतायत के साथ आशीष दूंगा। इस समय ना कहें कौन है परमेश्वर की उसकी आवाज को सुनकर मैं इसको जाने दूं। कैथरीन कुमन की तरह आपको फैसला करना है। मेरे अति प्रिय श्रोता, कैथरीन कुमन के जीवन के अंदर एक कार्य हुआ। जब वो उस तंग गली में से चलने लगी तो अंत में उसको वहाँ का रास्ता बंद मिला। शायद परमेश्वर ने आज आपके रास्ते को बंद कर दिया है। इस समय वो कहना चाहता है, मेरे बेटे मैं चाहता हूँ यहाँ पर रुक जा और यहाँ से वापस आ, मैं तुझको बहुतायत के साथ आशीष दूंगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए इस समय कहें, शायद आप टूट गए हैं, शायद आप कहना चाहते हैं मैंने सारी बातों को अचीव किया लेकिन कोई मेरी विनती को नहीं सुनता। आपने आज सुना था यूरी गागरिन जो कि संसार की ऊंचाइयों तक पहुंचा, वो अत्यंत तनाव और पीड़ा की स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्योंकि उसने कहा था, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, ऊंचाइयों पर जाके मैंने देखा कि परमेश्वर है ही नहीं। आज आप भी कहते हैं, जीवन की ऊंचाइयों और उपलब्धियों पर आकर मैं देखता हूँ, जीवन की ऊंचाइयों के ऊपर आकर के मैं देखता हूँ कोई परमेश्वर नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपने से किया है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, आपकी ऊंचाइयां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये बात है कि ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग से, हालेलुया, ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग से राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे लिए पृथ्वी की खाइयों में आ गया। आज आप किसी भी खाई के अंदर क्यों ना हो, आज आपकी प्रार्थना को वो सुनने के तैयार है। शायद आप कहते हैं, मेरे जीवन के अंदर अब कुछ नहीं होता, ओ 10-10 विपत्तियां फिरौन के जीवन से निकल गई, आपके जीवन से 100-100 विपत्तियां निकल गई हैं और अब आप कहते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर इस समय कहता है, मैं ही सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आइए अपने अपने हाथों को उठाएं। इस समय परमेश्वर आपसे कहता है, इस समय चिल्लाते हुए कहें, अपने टूटे हुए जीवन के साथ, अपनी अभिलाषाओं के साथ, अपने जीवन में रंग रंग की बीमारियों के साथ, अपने इस असफल होते हुए जीवन के साथ, मैं आपके सामने आता हूँ और इस समय मैं कहता हूँ, मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ है और उसकी आवाज सुनकर आज मैं अपने बीच से, आज मैं अपने जीवन से अपनी अभिलाषाओं की सेना को बाहर भेजता हूँ। हालेलुया। आइए इस समय कहें, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस समय परमेश्वर कहता है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ होगा, पूरा होगा। हालेलुया। ये वचन काफी है, सब कुछ होगा, पूरा होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। यूरी गागरिन ने कहा था, ऊंचाइयों पर आकर की कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आज मैं अपने जीवन की उपलब्धियों की ऊंचाई पर आकर, आज मैं अपनी सेवा की उपलब्धियों की ऊंचाई पर आकर मैं कहता हूँ, परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे अति प्रिय श्रोता, कार्यक्रम के अंत में हम हैं। इस समय ध्यान के साथ सुनिए, जक्कई का पेड़ पर चढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि यीशु मसीह को वो कहीं और से भी देख सकता था, लेकिन जक्कई के लिए बड़ी बात थी यीशु मसीह की आवाज को सुनकर पेड़ से नीचे उतर आना, अपनी ऊंचाइयों से, अपने उस बहुत बड़े पद की ऊंचाइयों से नीचे आ जाना, अपने अहंकार से नीचे आ जाना और ये कहना कि प्रभु इस समय मेरे घर चल। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो धनवान था, वो जीवन की ऊंचाइयों पर था, सारे यहूदा प्रांत में उसकी धूम थी कि
क्योंकि उसकी तरह ऊंचा और बड़ा आदमी कोई और नहीं है, लेकिन वो भी एक दिन नीचे आ गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब आप ऊंचाइयों से नीचे की ओर आते हैं तो ध्यान रखें, आपको परमेश्वर थाम लेता है। बाइबल हाँ उस व्यक्ति जक्कई के बारे में कुछ इस प्रकार से बताती है, यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। वो देखना चाहता था मेरे अति प्रिय श्रोता। अब बाइबल कहती है एक दिन शोर मच गया, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, आप कहते हैं यीशु मसीह कब आया और कब गया मुझको पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता आपने अनुग्रह कार्यक्रम सुना है। अनुग्रह कार्यक्रम में हमेशा शोर मच जाता है, धूम मच जाती है कि यीशु मसीह ने बहुतों के जीवन के अंदर कार्य किया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, गांव गांव में लोग चिल्ला चिल्ला करके गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया। इसराइल में भी ऐसी हुआ, एक दिन शोर मच गया और धूम मच गई, एक दिन शोर मच गया और धूम मच गई। शोर क्या मचा, आया 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 जग का तारण हारा। यरीहो में एक धनवान था जो यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह को उसने देखने की अभिलाषा की, लेकिन हालेलुया, सिर्फ उसको देख करके वो छूछे हाथ वापस नहीं लौट गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देख लिया था। यीशु मसीह ने कहा, आज से तुम्हारे संपूर्ण परिवार की देखभाल मैं करूंगा, आज से तुम्हारे जीवन की देखभाल मैं करूंगा, आप सिर्फ उसको देखने की अभिलाषा कर लें, वो आपके पूरे जीवन को देख लेगा। हालेलुया। आइए मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय जबकि हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने अपने मनों को तैयार करें। इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छूने जा रही है। यूरी गागरिन ने कहा था परमेश्वर नहीं है, लेकिन कर्नल जेम्स इरविन ने कहा हाँ परमेश्वर है। मेरे अति प्रिय श्रोता, कैथरीन कुमन को फैसला लेना था, और आज इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य बात यह है, आज आपको फैसला करना है। फिरौन ने कहा था यहोवा कौन है कि उसकी आवाज को सुनकर मैं अपने लोगों को जाने दूं। आज आप ये ना कहें यहोवा कौन है कि उसकी आवाज को सुनकर आज मैं अपनी बुरी आदतों को जाने दूं, लेकिन आज आप कहें यहोवा सब कुछ है और उसकी ध्वनि को सुनकर आज अपने जीवन के अंदर से सारी परीक्षाओं को, मैं सारी अभिलाषाओं को मैं बाहर जाने की अनुमति देता हूं। आज परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। आइए इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता अपने हाथों को उठाएं, आपके खाली जीवन को इसमें परमेश्वर का अभिषेक इस समय भरने जा रहा है। और इस समय घायल व्यक्ति की तरह चिल्ला उठें, इस समय जानवरों की तरह रेंगते हुए रेडियो के पास आ जाएं। परमेश्वर इस समय आपको अपने नए अनुग्रह से भरना चाहता है। हालेलुया। आसमान खुल जाए प्यारे पिता परमेश्वर, ओ प्यारे खुदाबंद, वही आसमान खुल जाए जिस आसमान में जाकर हाँ कर्नल जेम्स इरविन ने कहा था, हाँ परमेश्वर के पुत्र का आना एक बहुत बड़ी बात है। आज वही आसमान खुल जाए और उसी आसमान से आज हाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे इन श्रोताओं की झोपड़ी में, मेरे इन श्रोताओं के टूटे हुए जीवन में, मेरे इन श्रोताओं के बीमार शरीर में इस समय उतर आए। मेरे अति प्रिय श्रोता हाथों को इस समय स्वर्ग की उठाएं और धन्यवाद के साथ इस समय कहें, मेरा जीवन प्यासा है, मेरा जीवन प्यासा है, लेकिन आज एक काम कर, मैं मन से चिल्ला करके कहता हूँ, आत्मा के वर दानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वर दानों से तृप्त कर दे मुझे। हालेलुया। इस समय सारे महासागर परमेश्वर की ध्वनि को सुने, जंगल और पर्वत इस समय इसकी ध्वनि को सुने, रेडियो तरंगे इस समय हवाओं में जहाँ जहाँ जा रही हैं, सारी हवा इस समय शुद्ध और पवित्र हो जाए। प्यारे खुदावन, मैं जानता हूँ इस समय इन्हीं हवाओं में और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको शैतान इस समय प्रसारित कर रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम का रिसेप्शन कमजोर ना होने पाए, लेकिन प्यारे प्रभु जी हवाओं के ऊपर भी तू प्रभुता करने वाला महाराजा है। हालेलुया। तू बाढ़ के ऊपर भी प्रभुता करता है। हालेलुया। तू तूफान के ऊपर भी प्रभुता करता है। हालेलुया। आज सब प्रकार के अवरोधों को तोड़कर आपका वचन इनके सुनसान और एकांत गांव में पहुंचने पाए, मैं इस समय अनुरोध करता हूं, जितने लोग इस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर हैं, वो भी इस समय अपने अपने हाथों को उठा लें। आपको भी आज फैसला करना है, आपके जीवन के अंदर
मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं इस समय कहना चाहता हूँ आपको और अमेजिंग ग्रेस कलीसिया को कहना चाहता हूँ, यदि कोई दीवार खड़ी हो गई तो धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु जी, इस दीवार को धक्का देकर मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं वापस लौटता हूँ ताकि मैं तेरी सेवा करने पाऊँ। ओ इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता कहें, इसमें परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है, गाते हुए कहें, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। धन्यवाद के साथ इस समय उसके नाम की आराधना करें। बीमार श्रोता इस समय चंगाई को मांगे, दुष्ट आत्मा से भरे हुए गांव इस समय आजाद होने पाए, लंगड़े इस समय उछल करके चलने लगे, इसमें परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। प्यारे परमेश्वर की आत्मा इस समय एक एक जन पर कब्जा कर, क्योंकि हम इस समय कहते हैं इनका गांव इस समय आपकी महिमा के बादलों से भर जाए, इनका घर इस समय आपकी महिमा के बादलों से भर जाए। एंड वी सिंग टू योर लॉर्ड विद द क्वायर्स ऑफ द एंजल। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, एक महीने के बाद नहीं, एक सप्ताह के बाद नहीं, अगले अनुग्रह कार्यक्रम के ब्रॉडकास्ट में नहीं, लेकिन अभी तू आ जा हमारे बीच में, उसका स्वागत करें, अपनी आशीष उंडे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के धन्य नाम पर मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इन्होंने बहुत बार कहा है यहोवा कौन है कि उसकी सुनकर मैं अपनी बुरी आदतों को जाने दूं, लेकिन प्यारे खुदावंद आज मैं एक बात को जानता हूँ, शायद इन्हीं बुरी आदतों की वजह से, शायद इन्हीं अभिलाषाओं की वजह से, शायद पश्चाताप नहीं करने की वजह से आज इनका जीवन दुर्भाग्य और त्रासदी से भर गया है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इस समय इन्होंने आपकी आवाज को सुना है, अब हे प्रभु अपने चंगा करने के हाथ को बढ़ा और नासरत के यीशु मसीह के नाम पर सब प्रकार के कैंसर, सब प्रकार के फोड़े, सब प्रकार की पेट की बीमारियां, सब प्रकार के मुंह के छाले, सब प्रकार की अंतड़ियों की बीमारियां, सब प्रकार के लहू संबंधी बीमारियां, सब प्रकार के बदन की स्वेलिंग, सब प्रकार की सूजन और रक्त संबंधी दोष, पागलपन को लाने वाला फ्रस्ट्रेशन और उसकी आत्मा, आपके सामर्थी नाम पर इस समय हालेलुया। जब आप लड़ाई के लिए उतर आए हैं तो दुष्टात्मा की कौन सी सेना इस समय खड़ी हो सकती है। आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक जन को इस समय पूरी तरह से चंगा करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आप चंगे हो रहे हैं, लाल समुद्र सामने है, फिरौन की सेना आपके सामने है, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता इस समय यहोवा परमेश्वर एक काम करने जा रहा है और वो कुछ इस प्रकार से आपके लिए करेगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर युद्ध में पूरी जय देगा। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, क्योंकि अब मेरे साथ तू आगे आगे युद्ध की भूमि में चलेगा। अब मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी गरीबी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं धन्यवाद के साथ कहता हूँ मेरा यहोवा युद्ध में साथ देगा। ऐ मेरे मन, उदास ना हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। एक एक जन को इस समय अपनी चंगाई से भर, क्योंकि धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ अपने जीवित उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। दया से सुने, दया से सुने और इस समय ग्रहण करें। मेरे अति प्रिय श्रोता, आपने यहोवा की आवाज को सुना है, अब सारी दुष्टात्माओं की सेनाओं को बाहर जाने की अनुमति दें। इस समय परमेश्वर सारी अंधकार की सेनाओं को बाहर भेजता है, क्योंकि इस समय उसका अभिषेक आपके पर है। धन्यवाद के साथ कहें, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएं, हालेलुया, कोई चुप ना रहे, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर
आमीन। और फिर से आमीन। श्रोताओ, हमारा पूरा विश्वास है कि आज के वचनों ने आपसे बातें की हैं और आपकी आत्मिक भूख को शांत किया है।